सेमीकंडक्टर्स में सबसे पहला चैप्टर है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेमीकंडक्टर्स ना कंडक्टर ना इंसुलेटर, ये बीच में दोनों की तरह काम करते हैं। शायद केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा सिलिकॉन का नेचर या जर्मेनियम का नेचर क्या है, सबको पता है क्या है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इसने जो रेवोल्यूशन लेके आया है ये पूरी दुनिया में, वो कुछ अलग ही लेवल है। आज अगर हम चांद पे भी जा रहे हैं या कोई चीज़ भेज रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स ने तो ताबड़तोड़ तरक्की की है काफ़ी सालों में, दुनिया एकदम ही चेंज हो गई। और वो सब सेमीकंडक्टर्स की वजह से है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से करता है? कैटेगरीज ऑफ सॉलिड से स्टार्ट करता है। दो टाइप के सॉलिड बताता है, एक क्रिस्टलाइन है और एक अमॉर्फस है। तो इसमें एक्सटर्नल डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं होता, इसके ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है। असली ये चैप्टर स्टार्ट है एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड से। तो एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर, चाहे सेमीकंडक्टर, कुछ भी हो, एनर्जी बैंड में हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के अंदर, जैसे सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर है तो सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिलिकॉन लो, एक सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आप सिलिकॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी की बात करो और ग्राफ प्लॉट करो एनर्जी का, तो वाई एक्सिस में एनर्जी चल रही है, एक्स एक्सिस में इंटर अटोमिक स्पेसिंग है। इंटर अटोमिक स्पेसिंग का मतलब सिलिकॉन सिलिकॉन जो पास हैं उनके बीच में क्या दूरी है, उसको इंटर अटोमिक स्पेसिंग बोलते हैं। तो अभी आप एक काम करो, अकेला एक एटम लो। अगर आप सिलिकॉन का एक एटम लेते हो, बस उस एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो 1s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका एनर्जी लेवल सबसे लोएस्ट होता है। बाहर के शेल्स का एनर्जी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तो 2s2 का और बढ़ा, 3s2p6 का और बढ़ा, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स का और बढ़ा, और इस 3s2 का और बढ़ा और 3p2 का और बढ़ा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा एनर्जी का, इसको छोड़ो, आपका एनर्जी का ग्राफ ये बनेगा। सबसे लोएस्ट एनर्जी ये है, फिर ऊपर है, फिर इनकी ऊपर है, फिर इनकी ऊपर है, इनकी ऊपर, बात खत्म हो जाती है। ठीक है यहाँ तक? तो ये इसके ग्राफ के लेवल्स हैं, एनर्जी के लेवल्स हैं। अब हुआ क्या, मैंने एक की जगह दो सिलिकॉन ले लिए, मैंने एक की जगह दो सिलिकॉन एटम ले लिए। दो सिलिकॉन एटम जो हैं, अगर मैं पास लेके आता हूँ, अगर मैं दो सिलिकॉन एटम को पास लेके आता हूँ, तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलिकॉन के, कौन से, स्पेशली 3p2 वाले और 3s2 वाले, ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे दूसरे सिलिकॉन के साथ। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। उस चक्कर में इनके एनर्जी लेवल में चेंजिंग आ जाती है। तो एनर्जी इनका नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे आर वेरी मच क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस इन्हें शेयरिंग नहीं करने देता, अपने पास रखता है। लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ शेयरिंग हो जाती है। तो ये तो चार है ना, चार इलेक्ट्रॉन जिनका एनर्जी लेवल ऊपर नीचे है, इनका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। तो इमेजिन करो कि शुरू में ये जो दो एटम्स हैं वो बहुत दूर हैं, डी डिस्टेंस अपार्ट है, डी डिस्टेंस बहुत बहुत दूर है मान लें। फिर उसके बाद आप उनको पास लेके आ रहे हैं, एटम को पास, और सी डिस्टेंस पास ले आए, यानी कि इतना पास ले आए कि इनमें इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाए। इंटरेक्शन का मतलब इनकी शेयरिंग स्टार्ट होने वाली है, इनका बॉन्ड बनने वाला है। तो सी डिस्टेंस पे एनर्जी लेवल पहले एक था, सिर्फ एक फाइनाइट एनर्जी लेवल था, फिक्स एनर्जी लेवल था। लेकिन जो एनर्जी लेवल एक लेवल था, वो मल्टीपल लेवल में डिवाइड हो गया, मल्टीपल लेवल्स आ गए। मल्टीपल लेवल समझते हो? मल्टीपल लेवल का मतलब पहले जो 2, 3p2 के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी फिक्स एनर्जी थी, फिक्स ही थी भाई, इतनी है जी हमारी। तो लेकिन जब ये सी डिस्टेंस अपार्ट आ गए दोनों सिलिकॉन, तो इनके 2 के इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो मुझे पता नहीं क्या एनर्जी एक्वायर कर ली। वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहाँ मर्जी आ सकते हैं। उनके पास ऑप्शंस हो गई टू अटेन मल्टीपल एनर्जी लेवल्स। पहले तो एक ही एनर्जी लेवल था, पर अब एनर्जी लेवल एक की बजाय मल्टीपल में डिवाइड हो गया। इसको बोलते हैं कि बैंड में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के बैंड आ गए। तो एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाता है मल्टीपल एनर्जी लेवल में, जब उनके बीच में दूरी क्या रहती है, सी। आप और पास ले आए भी, जब आप और पास लेके आते हैं तो एनर्जी लेवल मॉडिफाई हो जाते हैं, और मॉडिफाई होते हैं, और बी डिस्टेंस पे तो इतना बड़ा एनर्जी लेवल हो जाता है, ये इतना पूरे का पूरा एनर्जी का बैंड बन जाता है। पहले ये दो इलेक्ट्रॉन ये क्लेम करते थे यहाँ पे कि
कि हमारी एनर्जी एस के दो इलेक्ट्रॉन से बड़ी ही होती है, बिल्कुल होती भी है, लेकिन जब आप इन्हें बी डिस्टेंस पास ले आए अब कोई गारंटी नहीं है। अब ये चार इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये बैंड में कोई भी एनर्जी लेवल अटेन कर सकते हैं। तो अब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि पी के इलेक्ट्रॉन्स हैं कि एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, पर अब सी बी डिस्टेंस पे मुझे पता नहीं वो कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब आप उन्हें ए डिस्टेंस अपार्ट ले आए। ए डिस्टेंस वो डिस्टेंस है कि जब आप सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल लेते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं, तो ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, तो इनके बीच में इंटर अटोमिक फिक्स डिस्टेंस क्या होता है, ए से पास नहीं लेके आना, स्ट्रक्चर में ए डिस्टेंस होता है। तो अब इनका एनर्जी लेवल क्या होता है, ये पूरे का पूरा बड़ा बैंड दो छोटे छोटे बैंड में टूट जाता है या डिवाइड हो जाता है, एक लोअर बैंड और एक अपर बैंड में। लोअर बैंड ऑफ एनर्जी लेवल्स को बोलते हैं, इस पूरे बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड। इसकी फोटो खींची यहाँ लगा दी, वैलेंस बैंड। और ऐसी जो अपर बैंड है उसके एनर्जी लेवल्स को अलग फोटो खींच के यहाँ लगा दिया, अलग कर दिया, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो अपर एनर्जी लेवल्स को बोलते हैं कंडक्शन बैंड और लोअर एनर्जी लेवल को बोलते हैं वैलेंस बैंड। और ये सभी के लिए वैलिड है। आप कोई भी आप मेटल लें, नॉन मेटल कुछ भी ले लें, कंडक्टर, इंसुलेटर कोई भी ले लें, सबका डायग्राम बेसिक यही बनता है। तो सबके अंदर जब वो इंटर अटोमिक स्पेसिंग पे होते हैं, कोई भी मेटल जो भी है, मेटल या कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, इंटर अटोमिक स्पेसिंग में जब उनका एटम होगा तो उनके पास एनर्जी के दो बैंड्स होंगे, एक लोअर और एक अपर। लोअर बैंड ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड, और अपर को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स गए कहाँ मेरे, वो दो इलेक्ट्रॉन आपको वैलेंस बैंड में मिलेंगे, इनका एनर्जी लेवल यहाँ पे आ जाता है, यहीं कहीं मिलेंगे, कंडक्शन में नहीं मिलेंगे, ये ऑटोमेटिकली वैलेंस में रहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जब सिलिकॉन सिलिकॉन जब स्ट्रक्चर में होते हैं तो दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स ही शेयरिंग करते हैं, तो दोनों के दोनों यहाँ पड़े होंगे। तो ये एनर्जी लेवल है। तो इसमें दो बैंड्स बने, लोअर वैलेंस बैंड है, अपर कंडक्शन बैंड है, और जो बीच का गैप है ये भी एनर्जी के लेवल्स हैं। ये भी एनर्जी, देखो है तो सारी एनर्जी का ग्राफ है, तो एक्चुअली में एनर्जी 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 का गैप्स हैं। तो जो बीच में एनर्जी गैप बचा ये वाला, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब कि गैप ऑफ एनर्जी बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। अब हमने ये क्यों पढ़ा, ये इसलिए पढ़ा क्योंकि हम डिफरेंस कर सकते हैं वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में और फॉरवर्ड एनर्जी गैप में, और साथ में इसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई अगर कंडक्टर है तो उसे कंडक्टर क्यों बोलते हैं, इंसुलेटर को इंसुलेटर क्यों बोलते हैं, बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, बताता हूँ कैसे। लेकिन उसके पहले ये डायग्राम क्लियर है। अब जब मैं ये बोलता हूँ कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं, तो मेरा मतलब कि वो यहाँ पे हैं, यहाँ पे, तो उनका एनर्जी लेवल क्या है, लो है। और जब मैं बोलता हूँ कंडक्शन बैंड में चले गए, कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब उनका एनर्जी लेवल हाई है, ठीक। अब प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक। देखो सबसे पहले एक पॉइंट को समझो, जब मैं बोलता हूँ कि वो कंडक्शन बैंड में है या मैं वैलेंस बैंड में है, चलो स्टार्ट विद वैलेंस बैंड। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, मतलब वो एटम के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो इमेजिन करें ये रूम रूम नहीं है, ये एटम है, और मैं न्यूक्लियस हूँ, और ये मेरे पास बैठे हुए पहले लोअर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर अपर अपर अपर, ये बेंच नहीं है, एनर्जी के लेवल्स हैं। तो एनर्जी सबसे मिनिमम है, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे बेंच ही बेंच लगे हुए हैं, पूरे कॉरिडोर में भी लगे हुए हैं, और फिर नीचे भी लगे हुए हैं, नीचे नहीं लगे हुए, सॉरी नीचे तो मार्केट है, बस क्लासरूम तक ही है। शेल्स तो एटम के अंदर ही होते हैं, बाहर तो होते नहीं है। तो फिलिंग स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर सब बैठे हैं, तो वो जो आखिरी वाले तीन लोग बैठे हैं वो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप लोग कहीं नहीं मूव करेंगे क्योंकि न्यूक्लियस आपको खींच के रखा हुआ है। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहाँ पर पड़े हुए हैं, वो वैलेंस बैंड में पड़े हुए हैं, उनका एनर्जी लेवल अभी लो है। मैंने मान लो कोई एक्सटर्नल एनर्जी थी, जिससे क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन ने मेरा एटम छोड़ दिया और एक स्ट्रक्चर के अंदर दिया, फ्री टू मूव, वो फ्री हो गए, एटम से फ्री हो गए। जब एटम से फ्री तभी होंगे ना जब एनर्जी इतनी होगी उनके पास कि मेरी क्लास को छोड़ें, एटम को छोड़ें। तो यानी कि उन तीनों का एनर्जी लेवल जो क्लास छोड़ के भाग चुके हैं,
उनका एनर्जी लेवल आप लोगों के एनर्जी लेवल से तो काफी बड़ा हो चुका है। तो जब वो एटम छोड़ देते हैं, एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, यानी कि वो कौन से बैंड में जा चुके हैं, कंडक्शन बैंड में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब अपना एटम छोड़ देता है तो वो वैलेंस कंडक्शन बैंड में चला जाता है, लेकिन जब वो एटम के अंदर बैठा होता है किसी शेल पे तो वो वैलेंस बैंड के अंदर है। ठीक, तो इमेजिन करो ये क्लास एटम, मैं न्यूक्लियस, आप इलेक्ट्रॉन्स, बेंच एनर्जी लेवल्स, सामने कॉरिडोर है, कॉरिडोर में कोई नहीं खड़ा मिलेगा आपको स्टूडेंट, कभी भी याद रखना। तो कॉरिडोर जो है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, और उस कॉरिडोर के बाहर नीचे मार्केट है, मार्केट का मतलब कंडक्शन बैंड है, दे आर फ्री टू मूव, फ्री हो गए तो छुट्टी हो गई तो फ्री है, जहाँ मर्जी घूमें। तो मेरी क्लास में तो नहीं है, कम एटम में तो नहीं है। तो इमेजिन करें कि जब इलेक्ट्रॉन क्लास में बैठा है, यानी कि अपने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो वो कौन से बैंड में है, वैलेंस बैंड में है। एनर्जी लेके वो कहीं बाहर भाग गए, कॉरिडोर को जंप कर गए, फॉरवर्ड एनर्जी गैप को जंप कर गए, और उसके बाद वो नीचे घूम रहे हैं, तो वो फ्री टू मूव है, यानी कि कंडक्शन बैंड में है। तो एनर्जी लेवल से ये एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करूं तो ऐसी एक्सप्लेनेशन है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर बैठे हुए हैं, एटम में बैठे हुए हैं, तो यानी कि ये ब्लैक इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड एटम के अंदर हैं, तो यानी कि वो वैलेंस बैंड में है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के फ्री टू मूव है, तो कौन से बैंड में है, कंडक्शन बैंड में। तो बॉन्ड का टूटना, फ्री होके घूमना कंडक्शन बैंड है, और एटम में जाके बैठ जाना वैलेंस बैंड है। ठीक हो गया यहाँ तक? तो अब इसमें डिफरेंस लिखना है वैलेंस, कंडक्शन और फॉरवर्ड एनर्जी गैप में। तो वैलेंस बैंड क्या है? वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कभी भी खाली नहीं होता, कोई ना कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो किसी भी मटेरियल के अंदर होते ही होते हैं। इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट केपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। जब तक आप यहाँ बैठे हो आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर में फ्री टू मूव होना पड़ेगा, और फ्री टू मूव तब होगे जब आप इस एटम को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाओगे। तो यानी कि इस आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लास में बैठो, लेकिन जो एनर्जी लेके बाहर घूमने चले गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वो मूवमेंट शो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसलिए क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट में कॉन्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते। तो आप लोग जो क्लास में बैठे हैं आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रेयरली प्रेजेंट, ज्यादातर एटम में ज्यादा बैठे होते हैं, लेकिन कुछ इक्का दुक्का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन भाग के मार्केट में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं घूमने के लिए, पर उनकी अमाउंट कम होती है, एटम में ज्यादा हो। अब एटम क्लास थोड़ा खाली हो जाएगी, एटम थोड़ा खाली हो जाएगा, सारे घूमने चले गए, एटम अकेला बैठा है, तो कुछ इक्का दुक्का चले जाते हैं। इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्शन बैंड में घूम रहे हैं, फ्री टू मूव है, आपने ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट कर सकते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। फॉरवर्ड एनर्जी गैप में इसके अंदर ये खाली होता है, इसके अंदर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, या तो क्लास में बैठो या बाहर घूमो, वहां नहीं खड़ना किसी ने, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वो एनर्जी है जिससे कि बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर ये एनर्जी आप ये गैप नहीं क्रॉस कर पा रहे तो आपको क्लास में बैठना पड़ेगा, यानी कि आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री नहीं हो पा रहा। ठीक, तो इसको बैंड गैप बोलते हैं, और इस एनर्जी गैप को ई ऑफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बैंड गैप एनर्जी। ठीक,